Andersen kitap diziye. दोस्तों राम राम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। भाई साहब, आप देख रहे हैं हम वृंदावन की कुंज गली में डोल रहे हैं और यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, इसलिए हाथ में फोन ले रखा है। और हम जा रहे हैं अब वहाँ के बिहारी जी के मंदिर पे और आप लोगों के लिए दिखाएंगे, वहाँ के बिहारी जी के दर्शन कराएंगे आप लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ है और चल रहे हैं अभी। भैया यहाँ पर हजारों मंदिर हैं भाई, तो कुछ नहीं कह सकते। और हम आ रहे हैं अब, देखिए वहाँ के बिहारी जी के दर्शन कराएंगे आप लोगों के लिए। चल रहे हैं अंदर। देख सकते हैं बहुत कुंज गली सीओ में होकर कर रहे हैं। तो अब कितनी दूर है जना? तो भैया यहाँ पे पेड़ पसंद हैं, जब भी कभी आए वृंदावन तो यहाँ के पेड़ जरूर खाएं। देख रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु लोग जा रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है भाई साहब। तो प्रवेश द्वार वहाँ के बिहारी जी के मंदिर का, और आप लोगों के लिए दिखा दें, ये बहुत ही विशाल मंदिर है यहाँ के बिहारी। यहाँ पेड़े का प्रसाद बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप देख सकते हैं अंदर जाके देखेंगे कितना लेने देते हैं नहीं लेने देते हैं। तो देखो ये है वहाँ के बिहारी जी का मंदिर। ये इसका निकास प्रवेश द्वार है, भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अभी चलते हैं अंदर, देखो बनाने देते हैं कि नहीं देते हैं। फूलों की देखिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। और हम जा रहे हैं अंदर, मोबाइल वगैरह की मना करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम आ गए हैं अंदर, प्रवेश कर गए हैं। भैया हर जगह मना करते हैं वीडियो शूट करने के लिए। तो दोस्तों बिहारी जी का मंदिर घूम के आ गए भाई साहब। बहुत ही विशाल मंदिर था, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ थी, लेकिन अंदर कैमरा नहीं चलाते, इतनी मतलब पुलिस लगी हुई थी उसके अंदर कि मतलब स्टैंड भी नहीं अलाउ करने दे रहे भाई साहब। बहुत भीड़ इतनी ज़बरदस्त, जितना दिखा पाए बाहर से दिखा दिया। उनकी कुंज गलियाँ हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी सजावट है। और तो भैया जे हैं कुंज गली, यानी कि छोटी छोटी गलियां हैं, इनमें से ही होकर निकलते हैं लोग। तो दोस्तों बंदर बहुत भयानक हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें खसा ले जाते हैं। और चश्मा को ले गए हैं अभी अभी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नहीं ले गए। तो दोस्तों ये भी देख सकते हैं आप, वहाँ के बिहारी जी के दर्शन के लिए कितनी सारी भीड़ जा रही है भैया, मतलब बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। उस मंदिर के अंदर भी बहुत ज़्यादा तगड़ी भीड़ थी भाई, वीडियो तो अलाउ करी नहीं। Hare 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 Hare
जान दिल से खिताब दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अच्छा होंगे तो भाई साहब वृंदावन के एक और मंदिर पर आ गए हैं हम और अब परिक्रमा मार्ग पर आए हैं। तो ये जो मंदिर आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर है ऊपर बहुत ऊंचाई पे, तो उसकी भी कुछ कहानियां हैं। तो अभी हम ऊपर चलेंगे और आप लोगों के लिए मंदिर दिखाएंगे सारी चीज़ें दिखाएंगे ऊंचाई पे। तो भाई साहब चलते हैं अंदर और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों तक आ सके। अगर पूरी वृंदावन की वीडियो देखना चाहते हैं तो वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर चल रहे हैं मदन मोहन जी के मंदिर पे। भैया हम चल दिए हैं मदन मोहन जी के मंदिर पे। बंदर है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मदन मोहन जी के मंदिर पे, बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ भैया। अरे और देख सकते हैं इधर साइड में श्रद्धालुओं की भीड़ है, ये है वृंदावन धाम है यहाँ पे। और हम जा रहे हैं ऊपर, फोन हाथ में इसलिए है क्योंकि स्टैंड में से बंदर निकाल ले जाते भाई फोन को। तो दोस्तों हम आ गए हैं मदन मोहन जी के मंदिर पे ऊपर और यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है भाई साहब। तो इसमें बहुत अच्छी कलाकृति है आप लोगों के लिए बता दें। और ये मंदिर बना हुआ है तो दोस्तों ये है मदन मोहन जी का मंदिर, लेकिन अंदर से नहीं दिखाने देते लोग, देख सकते हैं बहुत ही अलग स्थिति में टीले पर बसा हुआ है ये मंदिर। श्रद्धालु लोग आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ बंदर हैं, विदेशी लोग भी हैं, देसी लोग घूम रहे हैं। मैं आपके लिए बताऊंगा कि फोर यहाँ पे वीडियो मंदिर की नहीं बनाने देते हैं। देख सकते हैं आप लोग इधर में ये झील जैसा क्या है पता नहीं है और इधर में भी ऐसा बना हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस मंदिर पे पत्थर से बना हुआ है पूरा, बहुत अच्छी कारीगरी करी गई है नजदीक से आपको दिखाई दे रहे हो। ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा सा ही है। दोस्तों वृंदावन का सीन इस तरीके से है, कुछ श्रद्धालु बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हम मदन मोहन जी के मंदिर के ऊपर हैं तो देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम करने की कोशिश करेंगे, देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पे जा रहे हैं आ रहे हैं। इधर साइड से आप लोगों के लिए दिखा दें, देखिए ये आप देख सकते हैं आगे भी जैसा कि। दोस्तों आप लोगों के लिए बता दें कि यहाँ पे हर किसी भी मंदिर में ज़्यादातर लोग पुजारी वगैरह होते हैं वो मना करते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो नहीं खींच सकते वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन उसका रीज़न मैं आपके लिए बताता हूँ। उसका रीज़न ज़्यादा कुछ नहीं है, उसका रीज़न यही है कि देखो विदेश के लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं विदेशी, तो वो चढ़ावा वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ ज़्यादा चढ़ाते हैं तो वो उस वीडियो में नहीं दिख जाए, यानी कि जो चीज़ दिख जाएंगी तो वो सरकारी या फिर सरकार के कब्जे में आ जाएंगी, इसलिए लोग मतलब जो पुजारी वगैरह हैं मंदिरों के वो नहीं बनाने देते हैं, यही रीज़न है मेन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारे मंदिरों की दान पेटियाँ भी खुलती हुई देखी हैं, चढ़ावे चढ़ते देखे हैं, सारे मंदिरों जैसी भावना होती है लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सोच यही है इसीलिए नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं, तो आप लोगों के लिए कुछ और व्यू दिखाते हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करने को। ये भी इनकी श्रद्धा के हिसाब से कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ही भीड़ लगी रहती है। और देख सकते हैं आप लोग कुछ हाथ में किताब सी लगी हुई, जूम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मोबाइल हाथ में ले रखा है क्योंकि स्टैंड नहीं ला सकते क्योंकि बंदर वगैरह छीन ले जाते हैं फोन, सर चलो हाथ में रहेगा। तो भैया श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं लेकिन ज़्यादा खास बड़ा मंदिर नहीं, ठीक है छोटा मंदिर है।
और अभी हम वापस आ गए हैं। ये था मदन मोहन जी का मंदिर। अगला दिखाएंगे आपके लिए बांके बिहारी जी का मंदिर, जो कि सामने बोर्ड बताया था हमने। तो लोग आते हैं, विदेशी लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं जैसा कि पीछे वो देख रहे हैं। तो अभी भी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों, हम आ गए हैं बाग मदन मोहन जी का मंदिर। अब चलेंगे अगले मंदिर की ओर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बढ़ सकें। वीडियो में बने रहें क्योंकि पूरे वृंदावन के दर्शन आप लोगों के लिए कराएंगे। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। तब तक के लिए